સમાચારની શરૂઆત કરીએ તો એક મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે. ગુજરાત ભાજપના સાંસદ જુગલજી ઠાકોરની જીત થઈ છે. જુગલજી ઠાકોર ઓબીસી વેલફેર કમિટીના સભ્ય બન્યા છે. જુગલજી ઠાકોરે ટીઆરએસના સાંસદને હરાવ્યા છે. ટીઆરએસના સાંસદને હરાવ્યા બાદ તેઓ ઓબીસી વેલફેર કમિટીના સભ્ય બન્યા છે. જુગલજી ઠાકોરને 95 વોટ મળ્યા હતા. તો મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે, જુગલજી ઠાકોરની જીત થઈ ગઈ છે. જે પ્રમાણે વાત કરવામાં આવે તો જુગલજી ઠાકોરને 95 વોટ મળ્યા છે. આ બાબતે વધુ માહિતી આપશે અજય યાદવ અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે. જી અજયજી, જૈસે ગુજરાત ભાજપ કે સાંસદ જુગલજી ઠાકોર કી અદભુત જીત હો ગઈ હૈ, ક્યા કહેંગે? देखिए, निश्चित तौर पे जो ओबीसी वेलफेयर कमेटी है उसके फिलहाल 20 मेंबर है. एक मेंबर की कमी थी, उसका चुनाव होना था और उसी के लिए नोटिफिकेशन इशू किया गया था और आज उसका चुनाव हुआ, उसकी वोटिंग हुई. जो संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है उसके 63 नंबर कमरे में ये पूरी वोटिंग हुई. कुल 97 वोट पड़े हुए थे जिसमें 95 वोट भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के जो सांसद हैं जुगल किशोर जी उनको पड़े और अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पे टीआरएस की तरफ से लिंगायत यादव को उतारा गया था. उनको फिलहाल 2 ही वोट मिले हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि गुजरात के लिए बड़ी उपलब्धि है. और ओबीसी वेलफेयर कमेटी है एंड टी बोर्ड भी कहा जाता है इसको, कि इसके सदस्य के रूप में जुगल जी ठाकुर जो है अब मेंबर बन गए हैं. तो कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तरफ से जो ओबीसी को लेकर के तमाम सारी योजनाएं चल रही हैं उसमें गुजरात की तरफ से भी एक प्रतिनिधित्व है, जिसमें जुगल जी ठाकुर जो है अब ओबीसी वेलफेयर कमेटी के जो मेंबर रहेंगे और तमाम सारे मुद्दों को उठाते रहेंगे. तो कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा जीत की है. अपोजिशन को जहां महज 2 वोट मिले हैं वहीं पर जुगल ठाकुर को 95 वोट मिले हैं और उनको विजेता घोषित किया गया है. जी जी अजय जी, धन्यवाद. तो જુગલજી ઠાકોરની અદ્ભુત જીત થઈ ગઈ છે. ગુજરાત ભાજપના સાંસદ જુગલજી ઠાકોરની જીત થઈ છે. તેમણે 95 વોટ મળ્યા હતા. ગુજરાત ભાજપના સાંસદને જુગલજી ઠાકોર જીત બાદ ઓબીસી વેલફેર કમિટીના સભ્ય બન્યા છે.